उत्तराखंड में डेंगू का डंक लगातार गहरा जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून जिले में अब तक 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने बताया कि डेंगू बुखार अचानक आने वाला तेज बुखार है। आमतौर पर डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है, इसलिए सावधानी बरतें। में ये पिछले 8-10 दिन से हमें एक एक केस मिलना शुरू हो गया है, तो वर्तमान में 7 केस हमारे जनपद में पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 3 दून मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, लेकिन वो सामान्य है। अब जैसे जैसे बारिश समाप्ति की ओर जा रही है, धूप निकल रही है, तो ये थोड़ी सी संभावना है कि डेंगू के केस अभी बढ़े हुए हमको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए नगर निगम से और आशाओं के माध्यम से भी हम बराबर इस पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। घर घर जाके लोगों को जागरूक करना मेन हमारा उद्देश्य है इसमें, और आपके चैनल के माध्यम से भी देहरादून के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हफ्ते में एक बार 10 मिनट का समय अपने घर को दे दें, जहाँ भी साफ रुका हुआ पानी है उसको यदि फैलाते रहेंगे तो डेंगू जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। डेंगू का जो लार्वा होता है सबसे ज़्यादा रुके हुए साफ पानी में होता है, तो घर में जैसे कूलर्स की टंकियां हैं या फ्रिज के नीचे की ट्रे है या पुराने बर्तन वगैरह छतों पर उनमें रखें जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ, मार्केट में टायर वगैरह हैं तो इन सब में पानी जो भर रहा है उसमें डेंगू का लार्वा होने की संभावना रहती है। तो यदि हफ्ते में एक बार 10 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को चेक करते रहेंगे, उस पानी यदि कहीं रुका हुआ है तो उसको फैलाते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक हम डेंगू जैसी बीमारी पर नियंत्रण कर पा ले।